दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे Netflix के बारे में, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। है क्या ये चीज़? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि Netflix है क्या, क्योंकि दोस्तों अभी आप बहुत सारे एड्स देख रहे होंगे Netflix ओरिजिनल्स के नाम से, सेक्रेट गेम्स आ रहा है। तो ऐसे मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ Netflix के बारे में, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप Netflix जो है फ्री में यूज़ कर सकते हैं, Netflix और YouTube में डिफरेंस क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी हम इस तरीके से वीडियोस लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंचाए। तो दोस्तों बात कर रहे हैं Netflix के बारे में। Netflix दोस्तों वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, जो कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। ये वीडियो ऑन डिमांड भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देता है। अब जिन लोगों को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं पता, मैं बता देता हूँ। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का मतलब, जैसे आप YouTube देखते हैं, अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं, अपने आप टैबलेट PC पे भी देख सकते हैं, अगर आपके घर में स्मार्ट TV लगा है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप उस कंटेंट को देख सके, दैट्स इट, राइट। दोस्तों जब TV आया था उसने रेडियो को ख़त्म कर दिया था, और आज वो दौर आने वाला है फ्यूचर में जब जो ये वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है ये TV को ख़त्म कर देंगे। आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो जो ऑडियंस है वो बहुत ड्रॉप हुई है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो TV देखते ही नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन देख लेते हैं। तो वीडियो स्ट्रीमिंग का मतलब यही है कि आप जो है कंटेंट जो कि आप TV वगैरह में देखते थे उसको आप जो है अपने फ़ोन वगैरह में देखने लग गए। जैसे यूट्यूब एक वीडियो स्ट्रीमिंग का एग्जाम्पल हो गया, नेटफ्लिक्स एग्जाम्पल हो गया, अमेजोन प्राइम है ये एग्जाम्पल हो गया, हॉटस्टार ये है एग्जाम्पल हो गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि Netflix क्या है। Netflix भी जैसा कि मैंने बताया कि एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो Netflix कंपनी है वो अपना कंटेंट खुद भी बनाती है, जिसको आप Netflix ओरिजिनल्स के नाम से जो है जानते होंगे। जैसे कि अभी सेक्रेट गेम्स आ रहा है Netflix का जो ओरिजिनल सीरीज है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान आपको लीड रोल्स में दिख जाएंगे। बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट अभी आपको देख रहा होगा सेक्रेट गेम्स का। तो अगर आपको सेक्रेट गेम्स देखना है तो आपको जो है इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, या फिर आप इनकी ऐप डाउनलोड करके भी सेक्रेट गेम्स देख सकते हैं। ये जो पूरी इनकी सीरीज़ है वो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि Netflix है क्या। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि क्या ये TV पे आने वाला है या फिर इनकी जो है मूवी लगने वाली है, मूवी थिएटर पे जाके देख सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, जितने भी Netflix के ओरिजिनल्स होते हैं वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके और इनकी ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि यार ये Netflix और YouTube में डिफरेंस क्या है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, Netflix जो एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसमें जो कंटेंट है वो सिर्फ Netflix ही अपलोड करता है। दूसरों का कंटेंट भी हो सकता है, जैसे आप TV सीरीज वगैरह देख सकते हैं Netflix पे, दूसरे की मूवीज वगैरह भी जो बनाते हैं Netflix उनसे खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाती है। साथ ही साथ Netflix का अपना ओरिजिनल कंटेंट भी होता है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे वही कंटेंट Netflix पे शो होता है जो Netflix वाले चाहते हैं। बट YouTube में ऐसा नहीं है, YouTube में कोई भी अपना कंटेंट प्रोवाइड करा सकता है, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, राइट। जैसे कि ये अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये YouTube पे देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपना चैनल बना के कंटेंट प्रोवाइड कराना तो आप भी कर सकते हैं। तो YouTube जो है वो काम तो वीडियो स्ट्रीमिंग पे ही करता है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो बिजनेस मॉडल है, Netflix से बिल्कुल अलग है, राइट। तो ऐसे में बात कर लेते हैं Netflix की हिस्ट्री के बारे में। Netflix क्या कंपनी थी, किस तरीके से ये इंडिया में आई और अभी इंडिया में किस तरीके से काम कर रही है। Netflix फाउंड हुई थी 1997 में कैलिफोर्निया USA में, और इसको फाउंड किया था रीड हेस्टिंग और मार्क रैंडोल्फ ने, राइट। पहले ये कंपनी जो है वो DVD वगैरह किराए पे देती थी। जैसे जैसे इसकी जो पकड़ बढ़ी, इसके यूजर्स बढ़े, फिर ये ऑनलाइन आई, ऑनलाइन इन्होंने DVD वगैरह जो है किराए पे देना शुरू किया। साथ ही साथ इन्होंने अपना वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया। धीरे धीरे करते करते इनकी ऑडियंस बिल्ट होती गई। इन्होंने अपना एक, आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये 190 कंट्रीज में अपना जो कंटेंट सर्व करती है। अगर हम बात करें Netflix के सब्सक्राइबर बेस की, तो ये बहुत ह्यूज है। 125 मिलियन Netflix के जो सब्सक्राइबर है पूरी दुनिया में, ऐसे में 125 मिलियन यानी कि 12.5 करोड़ के करीब जो इनके सब्सक्राइबर है, और 5.5 करोड़ यानी 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर इनके USA से आते हैं। तो एक बहुत बड़ा यूजर बेस इनका USA में है। अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले Netflix का इंडिया में आने का कोई प्लान नहीं था 2015 तक, क्योंकि कंपनी वालों को लगता था कि इंडिया में ज्यादातर लोग इंटरनेट यूज नहीं करते। बट 2016 में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक क्रांति सी आई थी, एक रेवोल्यूशन सा आया था इंटरनेट का, जब जियो आया था फ्री में और ज़्यादा लोग जो है इंटरनेट यूज़ करने लगे। जहां 2015 से पहले इंटरनेट यूजर्स की संख्या में भारत कहीं भी नज़र नहीं आता था, और आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो टॉप 10 कंट्रीज़ में भारत का नाम आता है इंटरनेट डेटा यूज़ करने में। तो ये जो सारा कंट्रीब्यूशन है वो जियो का ही है, जियो की वजह से ही जो है रेट सस्ते हुए और आज की डेट में इंटरनेट इतना फैल गया है इंडिया में।
राइट, आने वाले समय में और भी फैलेगा क्योंकि 5G आ रहा है। तो ऐसे में अभी आपको बहुत सारी चीज़ें, एक्साइटिंग चीज़ें इंटरनेट पे देखने को मिलेंगी। तो 2016 में जो है नेटफ्लिक्स इंडिया में आ गई और इन्होंने अपना जो है कंटेंट लोगों के सामने सर्व करना शुरू कर दिया। और अगर हम अभी की बात करें 2018 आते आते तक, तो इन्होंने अपना ओरिजिनल कंटेंट भी बनाना लोगों के लिए शुरू कर दिया है, लोगों की अपनी भाषा में, जैसे कि सेक्रेट गेम्स है, लव स्टोरीज है, तो बहुत सारा ये कंटेंट आने वाले समय में भी हम लोगों के लिए बनाएगी, राइट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या नेटफ्लिक्स फ्री है या फिर आपको इसमें पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, नेटफ्लिक्स का जो कमाई का जरिया है वो एकमात्र इनके सब्सक्रिप्शन से आता है। जैसे अगर आप यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जितना भी एड आते हैं यूट्यूब पे आपके वीडियोस पे, उसमें 45% तो यूट्यूब वाले रख लेते हैं क्योंकि वो हमको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में यूज करने के लिए, और 55% का जो रेवेन्यू है वो एक कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। बट यहाँ पे नेटफ्लिक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स अगर आप यूज करेंगे तो आपको कोई भी एड वगैरह शो नहीं होगा। तो ये जो कंपनीज होती है Netflix, Amazon Prime या फिर Hotstar जैसी वीडियो स्ट्रीमिंग की जो कंपनीज है, ये सब्सक्रिप्शन से कमाती है। जैसे अगर आपको Netflix देखना है तो आपको जो है कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। बात करें अगर Netflix की प्राइसिंग की, तो Netflix पे आपको 3 प्लान्स मिल जाते हैं। बेसिक, जिसमें आपको 500 रुपये महीना पे करना पड़ेगा। दूसरा प्लान है इनका स्टैंडर्ड, जिसमें आपको 650 रुपये महीना पे करना पड़ेगा। और तीसरा प्लान है इनका प्रीमियम, जिसमें आपको 800 रुपये महीना पे करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, फर्स्ट मंथ का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री रहता है। पहले महीने अगर आप Netflix देखना चाहते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि अगर आप फर्स्ट महीना फ्री देखना चाहते हैं तो आपको अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी। पैसे नहीं कटेंगे आपके फर्स्ट महीने के। अगर आप सेकंड महीने से देखते हैं तो आपके पैसे कटना शुरू होंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जो है सेकंड महीने से नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल प्रोग्राम नहीं देखना चाहते, तो आप जो है महीने से एक दो दिन पहले जाके कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके अगले महीने पैसे नहीं कटेंगे, राइट। तो ये डिपेंड आप पे करता है, आप देखना चाहें देखें। फर्स्ट महीना फ्री है तो आप फ्री में एक बार ट्राई तो जरूर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, राइट। तो आई होप आपको नेटफ्लिक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा क्या आप नेटफ्लिक्स को देखने वाले हैं, आपको कंटेंट कैसा लगता है नेटफ्लिक्स का, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही कंटेंट, ओपिनियन, एजुकेशन, इंटरेस्टिंग फैक्ट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।